दोस्तों, जब भी मैं पॉपुलेशन का नाम लेता हूँ, आपके दिमाग में एक चीज़ आती होगी, एक जगह और उसके अंदर बहुत सारे लोग। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में एक ऐसी जगह भी है जो कि ह्यूमन से नहीं बल्कि रोबोट से पॉपुलेटेड है, और वो है मार्स। आपने थंबनेल में भी तो देखा ही होगा कि एक एस्ट्रोनॉट जो है वो एक्सप्लोर कर रहा है मार्स पे। वो अलग बात है कि मैंने उसको साइकिल पे बिठा दिया, जो कि बड़ी अजीब सी चीज़ है। मेरे दिमाग में ऐसा अजीब आइडिया आया था, लेकिन एक्चुअली वो एस्ट्रोनॉट नहीं था, वो एक रोबोट था जो कि मार्स को एक्सप्लोर कर रहा था। वो उसका आइडिया यही था कि मार्स पूरी तरीके से रोबोट से घिरा हुआ है, ताकि जो साइंटिस्ट हैं वो इसके सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकें। उसके अलावा मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, हमारी पूरी अर्थ पर सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है? तो जवाब तो अक्सर लोग यही देंगे कि माउंट एवरेस्ट। लेकिन ज़रा बड़ी जगह जाते हैं, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी पीक कहाँ है? वो है हमारे मार्स पे, जो कि एक्चुअली वोल्केनो है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों, मार्स जो है वो सन से चौथे नंबर पर एक प्लैनेट वाकई है। इसका जो नाम है वो एक रोमन गॉड के बाद दिया गया था, क्योंकि इसका जो कलर है वो एक रेडिश टाइप का है, जो कि किस वजह से आता है, ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब मार्स पर ज़्यादातर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसको आप रस्ट भी कह सकते हैं, यानी जंग शुदा लोहा, जो कि इसके रॉक्स और सॉइल में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो रेड दिखाई देता है, और इसलिए इसका नाम जो है वो मार्स रखा गया है। ये एक हमारे होम प्लेनेट की तरह ही है, जो कि हमारी अर्थ है, इन द फॉर्म ऑफ सीजन्स, पोलर आइस कैप्स एंड अ टिल्टेड एक्सिस। जो मार्स है वो अर्थ से बहुत सारे तरीकों में मुख्तलिफ भी है, जैसे कि ये बहुत ठंडा है, ड्रायर है और स्मॉलर है, तो यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो तो नहीं सकती, लेकिन कुछ जुगाड़ तो ज़रूर बताएंगे कि आखिरकार लाइफ पॉसिबल करनी है तो कोई ना कोई जुगाड़ तो भाई लगाना पड़ेगा ना। पहली मुसीबत ये है कि इसका एटमोसफियर बहुत ही थिन है, जिसके अंदर ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जो कि बहुत कम मिकदार में है, और जिसकी वजह से इसकी सरफेस इतनी हार्ड है कि यहाँ पर लिक्विड वाटर का एग्जिस्ट करना एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। इसके छोटे छोटे मूज हैं, फोबोस एंड डेमोस, जो कि सोचा जाता है कि शायद एक कैप्चर्ड एस्ट्रॉइड्स हैं, जो कि मार्स की ग्रेविटी की वजह से इसके साथ आके लग गए। और इसकी एक्सट्रीम जियोलॉजी भी है हमारे सोलर सिस्टम में। चलो, पहला जुगाड़ तो ये है कि हम इसके टेम्परेचर को वार्म कर सकते हैं। अगर हम एक न्यूक्लियर बॉम्ब को लॉन्च करें मार्स के ऊपर, तो वह इतनी अच्छी लेयर, इतना अच्छा एटमोसफियर तो ज़रूर बना देगा कि मार्स की जो सरफेस है वो टेम्परेचर को एब्जॉर्व करने के लिए काफ़ी हो जाएगी, और इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट अर्थ के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। एक अजीब सी चीज़ बताऊँ, हम समझते हैं, हमारे साइंटिस्ट शायद सोचते हैं कि जो मार्स है वो पहली अर्थ थी। पुराने ज़माने में इसके ऊपर बहुत सारे साइंस पाए गए हैं, फ्लड्स के, ओशंस के, यहाँ तक के रिवर्स और लेक्स के भी, जिसे पता चलता है यहाँ पर पानी तो भर भर के था, लेकिन वो गया कहाँ, ये एक मिस्ट्री है दोस्तों। ये नहीं पता कि इसका सारा पानी कौन पी गया। आप में से किसी ने पिया है तो फौरन अपने जुर्म का एतराफ़ कर दे कमेंट्स में। दोस्तों, हमने कहीं भी रहना होता है तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम पानी के बगैर तो ज़िंदा नहीं रह सकते, जबकि खाने के बगैर हम रिलेटिवली पानी से अगर कंपेयर किया तो ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सकते हैं। साइंटिस्ट ने अभी भी कुछ ट्रेसेस डिटेक्ट किए हैं मीथेन के मार्शियन एटमॉस्फेयर में। मीथेन एक गैस है जो कि बायोलॉजिकल और कुछ और प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है। हमारी अर्थ पे ज़्यादातर मीथेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और काउ से आती है। अब अगर ये बात मार्स पर है तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई ना कोई वोल्केनिक एक्टिविटी या केमिकल रिएक्शन तो ज़रूर है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि अर्थ पे भी जब वोल्केनिक इरप्शंस आई थी तो उसी के बाद यहाँ पर लाइफ की एग्जिस्टेंस की प्रूफ हमें मिले थे दोस्तों। साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या वोल्केनिक इरप्शंस हुए हैं, उसके दरमियान कोई ऐसे माइक्रोब यानी छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ज़रूर बने होंगे, जो कि यहाँ पर एलियंस के तौर पर बनाए जा सकते हैं। हाँ, ये बड़े लंबे लंबे एंटीनाज वाले एलियंस तो नहीं है, लेकिन चलो छोटे ही सही। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। वेलकम बैक, वी विल वेलकम यू इन अदर वीडियो। सो बाय।